राम राम नमस्कार, मैं सोनिया जांगड़ा फिर से हाजिर हुई हूँ हरियाणा के नए आस्थाओं के रंग लेकर। यूँ तो हरियाणा में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, हर महीने में कुछ ना कुछ खास होता ही है। दोस्तों, भादव का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने की खास बात है कि इस महीने में जाहरवीर गुग्गा पीर को मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनकी पूजा के साथ साथ सारा वातावरण महक उठता है डेरू की धुनों से। डेरू का संगीत यूँ तो राजस्थान में भी बजाया जाता है, पर हरियाणा का संगीत थोड़ा सा अलग है। बताया जाता है कि जाहरवीर गुग्गा पीर का जन्म राजस्थान के ददरेड़ा शहर में हुआ था। यूं ही हमारा हरियाणा हिसार से राजस्थान की सीमा को टच करता है और इसी तरीके से राजस्थान और हरियाणा की दोनों संस्कृतियों का मिलाप देखा जा सकता है इस त्यौहार में। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे हरियाणा में जाहरवीर गुग्गा पीर की पूजा कैसे की जाती है और कैसे मनाई जाती है गुग्गा नवमी। पीर के मंदिर में चढ़ाने के लिए भक्त ले आ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि ये परिक्रमा करवाई है और कैसे भक्तों ने चुनियाँ यहाँ पे बांधी हैं। ये इतनी सारी चुनियाँ बांधी रंग बिरंगी हैं ये मनोकामना पूरी करने के लिए। जी, ये हर साल गुग्गा पीर का हर साल निकाली जाती है और पूरे शहर में परिक्रमा कराई जाती है कि पीर साहब सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। माता शीतला के दरबार में हर साल माता के दरबार में आके भेंट लगाते हैं, माथा टेकते हैं। जो लोग मनोकामना मांगते हैं चुंदरी उनसे भी मंदवाई जाती है और माता शीतला का मंदिर हो किसी गाँव में या फिर किसी भी देवी का, कुल देवी का, खेड़े महाराज का, शिव जी का, जो भी मंदिर हो उनसे भी एक स्पेशल चुनरी यहाँ पे बंधवाई जाती है। गुग्गा पीर की जो छड़ी निकाली जाती है उस वक्त लोग झाड़ा लगाते हैं चंदों के से, तो ये जो छाबू का आप लोग पीछे देख रहे हो तो इनकी क्या वजह है? ये गुग्गा पीर की छड़ी लेके नगर में घूमते हैं और सारे नगर में घूमने के बाद ये शीतला माँ के दरबार में मत्था टेकते हैं और शीतला माता मंदिर में से माँ छड़ी को निशान को चुन्नी पहनाई जाती है, उसके बाद प्रसाद बांटते हैं और ये सदियों से चलता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी माँ के दरबार में आते हैं। शीतला माँ का दरबार बहुत पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है और हम यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सेवादार हैं। आज मैं नौवीं पीढ़ी में सेवादार मैंथानेश्वरदास शीतला माता मंदिर में हूँ और ये सारा परिवार सेवा करता है और आने वाले जो जितने भी हमारे छड़ी वाले आते हैं गुग्गा पीर की छड़ी लेके हर साल यहाँ पे बाहर माता दरबार चौक पे निशान मत्था टेकने के बाद निशान वहाँ लगाते हैं। वाला है हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनकी करी हुई और उनके जो आगे हैं उनसे चल रहे हैं और इनकी सेवा जो कर रहे हैं इन्हीं का सब कुछ है। पूरे शहर में घुमाते हैं इसको और उसके बाद यहाँ माता के चरणों में इसकी हाजिरी लगवा के फिर वहाँ खड़े करते हैं इसको और सभी जितने भी शहरवासी हैं सभी के लिए अपना मत्था टेकने के लिए। पालना जी गुरु ने मंगाया तेरा पालना जी ये राजा बजोनाथ ने भादव का महीना शुरू हो चुका है और शुरू हो चुके हैं डेरू बजने। डेरुओं का संगीत अपने आप में बेहद खास है तो डेरू का संगीत आप सभी को सुनाएंगे और बात करवाएंगे उन सवैयों से कि डेरू कैसे बजाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और डेरू बजाते वक्त वो क्या कुछ गाते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़े। हाँ जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि डेरू अपने आप में जब बजता है तो बड़ी ही अद्भुत ध्वनियाँ निकलती हैं, इनसे संगीत भी बेहद रोमांचक होता है इनका। डेरू बनता किस चीज़ से है? जी, ये केर की लकड़ी होती है, उसके साथ इसका सच्चा होता मनाते हैं और इसके जो ऊपर के ताले होते हैं ये बकरे की खाल के बनते हैं और इसमें संगीत कड़े डाल के मनाया जाता है, बजाया जाता है। ये संगीत है जिसका डेरू सिर्फ भादव के महीने में ही बजाया जाता है या सिर्फ और भी महीने होते हैं उनमें भी? ये भादव में ज़्यादा बजाया जाता है
इस तरह सामने से हम शुरू कर देते हैं इसको बजना, ये भादो तक बजता है, उसके बाद इसको धर देते हैं, फिर इसका कोई महीना नहीं होता है, सामने भादो दो महीने बजता जी। इसका संगीत बहुत बढ़िया है, इसको बहुत कम ध्यान में रह गया, लोगों के शौक कम हो गया इसका, ऐसा जी शौक कम होता जा रहा है इसका, शौक रहे तो संगीत भी इसका और बजे, संगीत शौक घटता जा रहा है, पब्लिक को इसको नहीं करती चाहती कि भाई हम ढेरों को सीख के या इसको आगे बढ़ाए। अब जित जैसी हमारी पीढ़ी है, 20 साल हो गए मेरे को उस्ताद बनाया था मैंने कुछ 2-4 साल में, तो सीखने में भी लगा 10-15 साल मैंने सीख के ये गाया बजाया है, कि इसके बाद देख रहा हूँ मेरे चेले भी कोई इतने नहीं है, 2-3 चेले बने हैं, और जिस यही बात आई है कि इसका शौक रह नहीं रहा लोगों ने, लोगों ने इसका शौक छोड़ दिया। बात बिल्कुल सही है कि हरियाणवी संगीत भी बदलता जा रहा है, जिस तरीके से ज़माना बदलता जा रहा है, नई नई म्यूज़िक की और भी दुनिया आती जा रही है, उसी तरीके से हमारा संगीत भी बदलता ही जा रहा है, रागनी से रैप तक, फोक से पॉप तक, और कहीं ना कहीं डेरू का म्यूज़िक भी आप देख सकते हो कि ये भी लुप्त होता ही जा रहा है। तो डेरू हरियाणा में आप देख सकते हो भादों के महीने में हर गाँव में हर देहात में बजते ही होंगे और देखे भी जाएंगे, राजस्थान में भी बजते हैं, पर क्या ये डेरू हरियाणा में सिर्फ भादों के महीने में ही बजते हैं या ये संगीत शैली ही राजस्थान की है या हरियाणा से बाहर की है? ये जिस अब सारी जगह आवे है, अपने हरियाणा में भी आती है, राजस्थान में भी है, अरे अब हरियाणा में राज जगाते हैं, पीर के भगत होते हैं, वो सारी सारी राज जगाते हैं, सुबह 9 बजे शुरू करते हैं, सुबह के 4 बजे जाते हैं, हम लोगों को जगाते जगाते करते हैं, पीर का नाम लेते हैं, माता का नाम लेते हैं, पीर का जन्म बोलते हैं, उन लोगों को समझाते हैं भाई ऐसे पीर होया था, ऐसे गुग्गा पीर होया, ऐसा इसका जन्म है, इतना ये है, करते करते माता बाछल तक गुग्गा पीर तक दजाडाई भी लेते हैं, इसका जो इसका गांव है उस गांव को भी समझाते हैं, ये हमारा हरियाणा है, इसमें भी राज जगती है, गांवों में भी राज जगती है, कई जगह पीर की राज जगाते हैं, जिन्हें किसी की ओटी ओढ़े हैं, कहीं साले के मेरा छोरा हो जाए पीर, मेरे रोजगार लग जाए पीर, तो मैं राज जगाऊँगा तेरी, तो उनकी आत्मा की भावना पूरी हो जाती है, तो पीर के नाम की राज जगाते हैं वे, और इसे तरिया ये चलता रहता है। अब देखते देखते बहुत कम ही हो गया, अब ये हो गया मैडम घर के अंदर पीर की राज जग रही है, बाहर बच्चे टेलीविजन खोल लेते हैं, उसको इसका शौक खत्म होता ही जा रहा दिन पे दिन, वो शौक नहीं है, पहले मोहल्ले के घर के बच्चे, गली के बच्चे, घर के बच्चे सारे बैठे करते लेडीज तक, अब तो लेडीज बैठती नहीं, जेंट्स जेंट्स बैठे रहते हैं थोड़े बहुत, अब दिन पे दिन शौक खत्म ही होता जा रहा मैडम। एंटी हरियाणा के जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हों वो एक बात सीख ले कि हमारे हरियाणा का म्यूज़िक जो है वो ऐसा रूहानी म्यूज़िक है कि वो हरियाणा के अलावा ना कहीं सुनने को मिलेगा और ना देखने को मिलेगा। इन्होंने डेरू की बात बताई कि लुप्त तो होता ही जा रहा है, राजस्थान में कहीं ना कहीं डेरू बजाए जाते हैं और कहीं ना कहीं से ये राजस्थान की परंपरा है जो हरियाणा वासी भी इसको मना रहे हैं। गुग्गा पीर का जन्म राजस्थान में ही हुआ था और माता बाछल और माता काछल और उनकी जितनी भी जो भी धार्मिक मान्यताएँ थी वो सारी की सारी डेरू बजाते वक्त गाई जाती हैं, जिस तरीके से शिव जी के भजन गाए जाते हैं, माता के भजन गाए जाते हैं, उसी तरीके से डेरू पर गुग्गा महिमा गुनाई जाती है। डेरू को बजाना कितना मुश्किल है? बहुत कष्ट का काम है जी, बहुत टाइम लगता है सीखने में, जिस तरह बच्चे को पढ़ाई करती है भाई एक दो, इसे तरिया बड़ा दिमाग मारा जाता है, उस्ताद धमकाते भी हैं, प्यार से समझाते हैं उस्ताद लोग भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे बजाओ, इसको ऐसा बोलो, इसको इस तरह करो, इस तरह बड़े बहुत कष्टाएँ से सीखा जाता है, जब जाके हम लोग इस लाइन पर आते हैं हमारे को टाइम लग जाता है, साल भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, उस्ताद लोगों की सेवा करते करते टाइम लग जाता है। यानी कि हमारे जो परंपरागत साज हैं वो इतने मुश्किल हैं बजाने के, वो धीरे धीरे कम ही पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मेहनतकश जो होते हैं वो तो बजा ही लेते हैं और जिनको नए नए पॉप म्यूज़िक पसंद है वो इनको पीछे ही छोड़ रहे हैं, यही कारण है कि हमारे हरियाणवी साज भी एक तरीके से पिछड़ ही रहे हैं। नई जनरेशन है कि इनको पता है कि डेरू क्या है, और इसी तरीके से हमारे साज और हमारा संगीत ये भी पिछड़ा ही जा रहा है। डेरू को बजाना कितना मुश्किल है ये तो आपने मुझे बता दिया, डेरू बजता कैसे है मुझे ये भी बता दीजिए। हाँ जी मैडम, ये बजता है इधर से डंका मारा, इधर से लकड़ी कही है, इधर से आवाज निकलती है, और ये इसकी सांस है डेरू की, ये मुट्ठी भीजते हैं उसकी आवाज निकलती है, ये कल बोलते हैं इसको, इसको सांस मिलता है मेडिस, इसको आवाज निकलती है, ये डेरू इस चीज से बजता जी, ऐसे बोलता है। और जैसे आपने बताया कि डेरू की सांस होती है, ये किस चीज से बनाई है? ये
रस्सी की होती हैं, ये नाड़ा के कल होती हैं जी, ये इसको, ये इसकी सांस है, इसको बीचने तो उसके आवाज निकलती है जिससे ये निकली, तो ये डेरू है, ये इसके ताले हैं, इसके जो मंडोल होते हैं, ये कुंडल है, ये डेरू, ये कल और ये मुट्ठी है जिसकी, हाँ इससे बजता है ये टंका, से मारोगे तो ऐसे आवाज निकलेगी। डेरू के साथ साथ भी एक ध्वनि निकाली जाती है, इनसे भी बात करेंगे। आपके हाथ में क्या है? ये बिलवा होता जी कस्सी का, एक ये कील है जी, एक बेलवा है, ये कस्सी का है जी, इसे बजाया जाता है कील से, जैसे इससे बोलता जी, हम भजन गाते इससे, तो इस तरह हमने भी साथ मिलता है, इसको भी मतलब ज्ञान मिलता है जी, ये इस तरीके से बजाया जाता है। तो जब से डेरू की परंपरा की शुरुआत हुई तब से ये बेलवा आपने बताया, ये बजना तभी से स्टार्ट हुआ डेरू के साथ ही चलता जी। अच्छा। ये जो हम साथ बजाते हैं, ये डेरू बाजी करते हैं जो, ये गले चलता जी, बेलवा जो गले बजाते हैं। तो डेरू जब बजता है तो काशी का ये आप देख सकते हो, ये भी डेरू के साथ ही बजता है, और डेरू की जो ध्वनि होती है ये उसी के साथ मेल खाने वाली ध्वनि होती है इनकी। आपसे मैं फिर एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि डेरू जब आप बजाते हो तो कुछ आप गुनगुना रहे होते हो, वो क्लियर तो नहीं सुन पाता, गुगा महिमा ही गुनगुनाते हो, उसके अलावा भी कोई चीज आप गाते हो? यही है जी, आप जब गाते हैं तो मोह हो जाती है, जिस तरह संगीत के अंदर कोई भी चीज लगा लो आप गा रहे हो तो उसमें कोई लगन सी ऐसी उठती है आप पे, आप आदमी मस्त होता चलता अंदर से, जब अंदर मस्त होके लिगड़ती है आवाज तो वही लिगड़ती है, जो हम अंदर गुनगुनाते हैं वो बाहर आवाज आती है, जिस तरह की हमने माता की सेवा गा ली, कोई भजन गा लिया तो वही हमारे अंदर की भावना बाहर लिगड़ती है। अच्छा। हाँ जी वो गाते हैं, यानी कि डेरू की आवाज जब आप सुनते हो तो किसी भी अकेले डेरू की आवाज आपको उतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो इसीलिए डेरू हमेशा ग्रुप में बजाया जाता है और साथ में सभी लोगों के द्वारा गुनगुनाई जाती है गुग्गा महिमा। तो आपसे मैं कुछ सुनना चाहूंगी जो आप लोग बजाते हो वो। हुकूमत खोस लई बस दे दिया नो रो रे, बुढ़ापा आ गया गे रो रे, मेरे घर की हुकूमत खोस लई बस दे दिया नो रो रे, बुढ़ापा आ गया गे रो रे, ओ होते हैं, उनको रोजगार कब कब मिलता है, सिर्फ भादव के महीने में या फिर पूरे साल भर चलते रहते डेरू बजाना? ऐसा मैडम रोजगार नहीं होता, हम जो भी लाते हैं राज जगह के पैसा वो तो भगत आदमियों के बस में होता, भाई 500 दे दे 1100 दे दे, उस पैसे को हम इकट्ठा करके और अपने पीर की प्रसाद मनाते हैं और सब कोई बांट देते हैं, कोई हलवा मना लिया, खीर मना ली, फ्रूट लिया है सारा, बर्फी लिया है, जितना ही पैसा होया बांट देते हैं, हम सबको प्रसाद मना देते हैं, हम अपने पास ही नहीं रखते कुछ भी, हम सिर्फ पीर की सेवा करते हैं जी, गुग्गा पीर की सेवा करते हैं, उसको जितना पैसा इकट्ठा होता हम तो अपनी मेहनत करते हैं, पीर को जितना राज जगा के पैसा इकट्ठा हो गया 5000 हो 10000 हो जाए
उसका प्रसाद लाकर सब आखिरी वाले दिन हम सब बांट देते हैं प्रसाद को, अपने पास कुछ नहीं रखते। डेरू की कई ध्वनियां निकलती हैं जब आप गोगा पीर की महिमा गा रहे हो तो अलग अलग ध्वनि निकलती है। अब जैसे आपने बुढ़ापा जो ये गीत गाया है इसकी भी अलग से निकली, तो वो रूहानी जो म्यूजिक है मैं वो सुनना चाहूंगी जो आप गोगा पीर की महिमा गाते वक्त बजाते हो, वो वाली डेरू। डेरू का म्यूजिक वो धुने जो हरियाणा में कभी कभार और कहीं कहीं सुनने को मिलती हैं, तो और भी मुलाकात करेंगे और उन लोगों से भी पूछेंगे कि डेरू कैसे बने और कैसे ये म्यूजिक हरियाणा में फैला है और गुगा पीर की महिमा भी आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं और भी रूहानी डेरू के संगीत को सुनने के लिए, आइए। भादव के महीने में गुगा पीर, जिनको गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पूजा कैसे होती है ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे और बात करेंगे उन सवैयों से जो गुगा महिमा का बखान करते हैं। की जो छड़ी निकलती है वो कैसे सजाई जाती है? सजाई जाती है जी, ऐसा है इनका मतलब 100 महीने पहले मतलब त्यौहार माना जाता है और बाबा की असीम कृपा है और हमारे यहाँ कम से कम 400-500 साल से एक ही घर में निकाली जाती है और हमारे दादा परदादा मतलब जितने भी है 15-20 पीढ़ी बीत गई है और ये निशान को निकालते आ रहे हैं और हमारे समोइये खड़े हैं आपके सामने और हम भगत हैं और हमारे जब तक ये चलता है जब तक निभाएंगे और नहीं तो फिर बच्चे अपने आप निभाएंगे हमारे जाने के बाद। तो और इसके बारे में हम तो जितना कहे जी इसी का मतलब दिया खाते हैं और इसी के आगे सर नवाजते हैं, हाँ जी बस इसी का आशीर्वाद जी सारे मोहल्ले परिवार के ऊपर सबके ऊपर आशीर्वाद बने हुआ जी, ये सदा है मतलब सबको आशीर्वाद देते रहते हैं हर महीने मतलब आते हैं हर साल में आते हैं और सारा मोहल्ला मतलब साथ होता जी। तो ये हरियाणा की परंपराएं हैं, हरियाणा की वो रीतियां और वो रिवाजें हैं जो सिर्फ ना एक घर निभाता है उसके साथ साथ पूरा मोहल्ला भी उन रिवाजों को साथ में निभाता है। किस तरीके से पूजा हो रही है और ये पूजा न सिर्फ एक घर की हो रही है, उस घर में आ रहे हैं मोहल्ले वाले भी आएंगे और गुगा पीर की जो छड़ी निकाली जाएगी उस छड़ी का प्रसाद जहाँ से भी छड़ी निकलेगी वहीं से लोग ग्रहण करते रहेंगे और उनकी जो भी श्रद्धा होगी वो नीली चादर की हुई या फिर किसी चुनरी या दुपट्टे की हुई वो भी बांधेंगे और गुगा पीर का आशीर्वाद भी लेंगे।
नीमा का बखान आप लोग डेरू बजा के करते हैं, उनमें सबसे खास तौर पे कौन सा गीत गाया जाता है? यही गुरु गोरखनाथ जी का और गुग्गा पीर का, माता बाछल की सेवा। जैसे कि माता बाछल को संतान नहीं होती थी तो उन्होंने 12 साल तक अपने बाग में बाबा गोरखनाथ जी की पूजा की, और पूजा करते करते जब 12 साल व्यतीत हो गए, गोरखनाथ जी ने कहा बेटा पहर के तड़के सुबह आ जाना तो मैं आपको फल दूंगा। तो हम आप सभी से मैं सुनना चाहूंगी गुग्गा पीर की वो महिमा जो आप डेरू बजाकर गाते हो, गुनगुनाते हो। ये बखान है माता बाछल की सेवा का। जैसे कि गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को औलाद बख्शी थी और कैसे गुग्गा पीर का जन्म हुआ, और मैं आपको थोड़ा सा गा के बताता हूँ। सतगुरु गोरखनाथ तेरी सले, धन गुरु गोरखनाथ तेरी से, वो जग में क्लासवाई, दूर दूर के दातियां में तेरी मिला स्तुति गाई, ओ दूर दूर के जातियां में तेरी मिला स्तुति गाई। लगते भादवा लगा घुमाबा गढ़ की सुरत, तेरे भवन पर डेरू बज सरंगी ने तान सुनाई, मेरा मिल जुल कहन सारी खलकत ने, मिल जुल कहन सारी खलकत ने ले तेरी मैं मगाई, धन धन गोरखनाथ तेरी से जग में कला सवाई, ओ नारी न जाए नितिना सिंह राजा छड़ी के बाद, उनकी पूजा दिखाने के बाद हम आ गए हैं जहारवीर गुग्गा पीर के मंदिर में। मंदिर में आप देख सकते हो कि इनके साथ गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा है, दूसरी ओर बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा है। गुरुओं के गुरु श्री गोरखनाथ और वीरों के वीर श्री जहारवीर। बताया जाता है कि जहारवीर के गुरु गुरु गोरखनाथ हैं, और गुरु गोरखनाथ जो कि शिव के अवतारी हैं। तो रंगीले हरियाणा के धार्मिक रंगों और संस्कृति के रंगों की छटा तो हमने आपके साथ बिखेर दी। फिर मुलाकात होगी अगले नए प्रोग्राम में, फिर दिखाएंगे आपको हरियाणा के सांस्कृतिक और धार्मिक रंग। तब तक राम राम, जय राम जी की, और सभी दर्शकों को गुग्गा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भादव के महीने में डेरू की धुनों का आनंद लीजिए, आनंद लीजिए श्री गुग्गा पीर के भजनों का। राम राम।